हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन क्लास टेंथ के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नावली 6.1 के सवाल नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। पिछले सवाल की तरह इस सवाल को भी सिद्ध करना है और इस सवाल के भी दो भाग है। तो देखिए, कॉस की घात 2 0 डिग्री माइनस 2 कॉट की घात 2 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक की घात 2 90 डिग्री, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, बराबर 2 छोटा कोष्टक शुरू सेक की घात 2 45 डिग्री माइनस 10 की घात 2 60 डिग्री छोटा कोष्टक बंद, ये अपनी राइट हैंड साइड है। इससे पहले अपन ने जितने भी सिद्ध करने के सवाल किए थे उसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थे और राइट हैंड साइड को प्राप्त करते थे, परंतु यहाँ अपन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने पास है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए, सबसे पहले है कॉस की घात 2 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 और इसके घात लग जाएगी 2, उसके बाद है माइनस तो माइनस, उसके बाद 2 2, उसके बाद देखिए अपने पास है कॉट की घात 2 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 और इसके भी घात लगेगी 2 क्योंकि कॉट की घात है 2, उसके बाद है प्लस तो प्लस 3 का 3। अब यहाँ है कोसेक की घात 2 90 डिग्री, और कोसेक 90 डिग्री का मान होता है 1 और इसके भी घात लग जाएगी 2। आगे सॉल्व करते हैं तो 1 की घात 2 तो 1 गुणा 1 आपका हो जाएगा 1, उसके बाद है माइनस तो माइनस 2 का 2, 2 और अंडर रूट 3 की घात 2 के बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ लग जाएगा गुणा। अब अपन करेंगे अंडर रूट 3 की घात 2 को सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, बराबर आ जाएगा अंडर रूट 9, 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आ गया 3, तो 2 गुणा 3, उसके बाद है प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए 1 की घात 2 तो 1 गुणा 1 आपका हो जाएगा 1, 1 का गुणा जब 3 से हो जाएगा तो आ जाएगा 3। अब बॉर्ड मास के अनुसार पहले होगा गुणा, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, 2 और 3 का गुणा आपका हो जाएगा 6, यानी कि माइनस 2 और प्लस 3 का गुणा माइनस 6, उसके बाद है प्लस 3 तो प्लस 3। अब देखिए प्लस 1 और प्लस 3, प्लस 1 और प्लस 3 जुड़ेगा तो हो जाएगा प्लस 4, प्लस 4 और माइनस 6 को जब अपन जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर अपने पास आ गया माइनस 2। अब अपन करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले हैं 2 2, उसके बाद देखिए सेक की घात 2 45 डिग्री माइनस 10 की घात 2 60 डिग्री, ये छोटे कोष्टक में है तो इसको अपन बड़े कोष्टक में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेक की घात 2 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 2 और इसके भी घात लगेगी 2 क्योंकि सेक की घात है 2, उसके बाद है माइनस तो माइनस। अब है 10 की घात 2 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3 और इसके भी घात लगेगी 2 और बड़ा कोष्टक बंद। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 का 2 आ जाएगा। अब इसे वापस अपन छोटे कोष्टक में ले लेंगे। अब यहाँ अपन को सबसे पहले घात को हल करनी है, तो सबसे पहले अपने पास है अंडर रूट 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी कि आंसर आ जाएगा अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आंसर आ गया 2, उसके बाद है माइनस तो माइनस। अब है 3 की घात अंडर रूट 3 की घात 2, तो अंडर रूट 3 की घात 2 को जब अपने हल किया था अपने पास आया था 3, तो 2 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद। अब पहले बोर्ड मास के अनुसार कोष्टक हल होगा, तो 2 का 2 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आपका बच जाएगा माइनस 1, 2 गुणा माइनस 1 आपका आ जाएगा माइनस 2। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पर भी आ गया माइनस 2 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आया था माइनस 2। तो इस प्रकार अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। तो यही अपन को सिद्ध करना था। इससे पहले मैं त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए जितनी भी वीडियो बना चुका हूँ, इसके अलावा निर्देशांक, ज्यामिति, बहुपद और समांतर श्रेणी के लिए जितनी भी वीडियो है, उन सभी की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।